पंचायत चुनाव चरम पर हैं। 19 को राजधानी लखनऊ में मतदान होना है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं के द्वार द्वार जा रहे हैं और अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी का भयंकर भीषण चल रहा है, लोग डर भी रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में अभी कोरोना का कहर उतना नहीं है, लेकिन शहरों में काफ़ी मात्रा में कोरोना बढ़त बना रहा है। कोरोना के मरीज रोज़ पाए जा रहे हैं। देहात क्षेत्र में हम हैं इस समय, वार्ड नंबर 17 में, वार्ड नंबर 17 जहां भदरसा, चंद्रावल, कमलापुर, माती आदि ग्राम सभा आते हैं, वहीं हम खड़े हुए हैं और प्रचार कर रहे लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ में वार्ड नंबर 17 की प्रत्याशी श्रीमती कमलेश के प्रचारक लोग मौजूद हैं। कमलेश के पति श्री भगवान भी जिला पंचायत सदस्य रहे और श्रीमती कमलेश भी एक बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। उनके प्रचार करने वाले साथी यहाँ मौजूद हैं, समर्थक हैं कुछ और कुछ अन्य गांव वाले हैं। हम बात करेंगे कि गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र वो जब जा रहे हैं तो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और क्या स्थिति निकल कर सामने आ रही है, बात करेंगे हम। नाम बताएंगे जी? सर, मेरा नाम सर अनिल कुमार रावत है और इस ग्राम पंचायत का 17 नंबर वार्ड का सर मैं प्रचारक हूँ श्री भगवान दादाजी का। तो भगवान दादाजी का प्रचार आप कर रहे हैं? जी, हम प्रचार मंत्री हैं। प्रचार मंत्री हैं जी। भगवान दादाजी अपना प्रत्याशी का तो नाम बताएंगे? जी बिल्कुल, कमलेश यादव जी अपनी प्रत्याशी हैं और इनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड है? जी, इन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, कल्ली पूरब के 2 गांव लगते हैं जिसके बीच में एक सरकारी नाला था। आज तक इतनी सरकारें आई, इतने लोग राजनीतिक वोट बैंकिंग अपनी बनाए, लेकिन किसी ने भी ये काम नहीं कराया है। ये पहला रिकॉर्ड है उनके जीवन में, पहली जिला पंचायत उन्होंने बनवाया जो कि उसकी काबिले तारीफ ये बनवाया गया है, ये निर्माण कराया गया है। उसके अलावा जो पिछले जिला पंचायत रहे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, 5 साल कोई देखने नहीं आया है। और इसके पहले जो शासनकाल था इनका, उस शासनकाल में रास्ते बनवाए गए और उसी रास्ते पर हम लोग अभी चल रहे हैं और लोगों द्वारा खुद बताया जा रहा है। आपकी ठीक है और रहेगी। कमलेश यादव जहाँ, विजय वहाँ। आप जो है रावत जी हैं और इनका कहना है कि कमलेश यादव के पीरियड में यहाँ का विकास हुआ है और विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही जनता से समर्थन। आप बताएं कि आप किसका प्रचार कर रहे हैं? हम जी कमलेश यादव का प्रचार कर रहे हैं जी। और क्या चुनाव निशान है? चुनाव निशान कलम दवात है जी। हाँ, ये इनका अच्छा काम किया है इन्होंने और अच्छा काम करेंगे, जीत के आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। अच्छे प्रत्याशी हैं इसीलिए हम लोग इनका प्रचार करते हैं। रोड रास्ते के मामले में इन्होंने बहुत पहले काम किया है, जब पिछले बार ये चुनाव लड़े जीते और अब दोबारा चुनाव फिर आया है इनका, फिर जीतेंगे तो काम करेंगे। कि एक और गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, प्रचार करने के लिए प्रत्याशी गांव-गांव, खेत-खेत घूम रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये श्रीमती कमलेश यादव पत्नी भगवान यादव के समर्थक गण हैं जिनका चुनाव निशान कलम दवात है और ये लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए घर-घर, गांव-गांव जाकर अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार।